और हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है आजकल। हमारा गांव पहले हरा भरा हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा गंदा होने लग गया है। तो हमारा मोटिव यही है कि हमारा जो गांव पहले हरा भरा रहता था उसको फिर से वापस लाए, फिर से हरा भरा कर दे, फिर से सुंदर कर दे। तो हाँ, तो आज 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, तो हम सब मतलब ये करना चाहते हैं कि हमारे तुर्तुक फिर से अच्छा और हरा भरा हो जाए और साफ सुथरा हो जाए। गंदा हो रहा है आजकल। हमारा गांव पहले हरा भरा हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा गंदा होने लग गया है। तो हमारा मोटिव यही है कि हमारा जो गांव पहले हरा भरा रहता था उसको फिर से वापस लाए, फिर से हरा भरा कर दे, फिर से सुंदर कर दे। तो हाँ, तो आज 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, तो हम सब मतलब ये करना चाहते हैं कि हमारे तुर्तुक फिर से अच्छा और हरा भरा हो जाए और साफ़ सुथरा हो जाए। हम प्लास्टिक की बैग्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कैरी बैग्स के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं, तो हमें इससे ज़्यादा क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। आजकल सब कुछ प्लास्टिक में ही आता है, बॉटल्स, यहाँ तक कि वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल्स आते हैं, तो उनको भी हमें स्टील के वाटर बॉटल्स यूज़ करना चाहिए। तो हाँ, ये सब चेंजेस करने चाहिए। मोटिव ये है कि वी टुक दिस एनवायरमेंट डे एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो जब इन बच्चों को पता चला कि 5 जून को एनवायरमेंट डे है, तो इनका जो एंथुजियाज्म था ना, तो टुक एन इनिशिएटिव। उन्होंने बोला कि मैम, हम एक प्रोसेशन निकालते हैं सो दैट यहाँ के जो लोकल्स भी हैं, राइट, नॉट, और बच्चे भी हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको सबको एक अवेयरनेस आ जाए कि यहाँ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ है, ये इनका मानना ये है कि जिस तरह से इनका घर गंदा नहीं करते हैं, हम अपना घर नहीं गंदा करते हैं, इसी तरह से हम इस गांव को भी गंदा नहीं करेंगे। क्योंकि तुर्तुक नॉट जैसे तुर्तुक लगे, तो हम जहाँ भी रहेंगे वो हमारा अपना घर है, वो गांव हमारा अपना घर है, ये बच्चों की सोच है। तो ये लेकर उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। तो फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया तुर्तुक वैली स्कूल ने,
कि चलो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, ये लेकर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और बच्चों ने देखो ना कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज लेकर आ रहे हैं। ये सारे जो पेंटिंग जो है ना ये बच्चों ने बनाए हैं, और ये प्ले कार्ड सब हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हम प्लास्टिक को रिड्यूस रीयूज अगर नहीं कर सकते तो रिफ्यूज इट। और वो बोलते हैं कि प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स क्या हैं। ये इनकी क्रिएटिविटी है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बैग के अलावा हम क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं या फिर पेपर का बैग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इतना माइन्यूट उनका डिटेलिंग था कि ईयरबड भी आता है वो प्लास्टिक का आता है, ये बड़ा बड़ा है हम पिक कर लेंगे, छोटा छोटा जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है और वो हमारे एनवायरनमेंट को बुरा करता जा रहा है। तो ये इनका है कि इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स यूज द स्टील बॉटल और यूज द ग्लास बॉटल्स, और फिर ये स्ट्रॉ भी उन्होंने ही बनाया है। और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि बच्चों के लिए हम तो प्लास्टिक के टॉयस लेकर आ जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो टॉयस खराब हो गए या फिर कुछ हो गए तो ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट आल्सो एड्स ऑन टू द पॉल्यूशन। सो ये बच्चों का ये था। और इसके अलावा उन्होंने दो तीन और भी वो बनाए हैं पेंटिंग, बहुत ही बढ़िया, इतना डिटेलिंग से बनाया है उन्होंने। यहाँ तक ये बोला है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ के पेड़ों को नीचे से वो प्लास्टिक रैप करते हैं कि जानवरों से बचाने के लिए, तो वो बच्चे बोलते हैं कि क्यों प्लास्टिक रैप कर रहे हैं, हम पुराना कपड़ा क्यों नहीं रैप कर सकते। सो दिस इज अ थीम, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है सर। तो ये बच्चे बोलते हैं कि आज ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और यहाँ का जो भी ये डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे नायब होते हैं, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे लिए, तो नायब साथ के साथ और फिर यहाँ के पंचायत के लोगों के सबका साथ मिलकर ये बच्चे यहाँ पर एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं और इस कुर्तुक को एक जनरल बनाना चाहते हैं, एक मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किए, हमारे कलाके के पूरे आवाम का और खासकर ये स्टूडेंट, बाकी जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज माहौलियत का आलमी दिन पूरे दुनिया की तरह अमर कुतुब में भी हम मनाने जा रहे हैं, तो इस साल हमारे इस प्रोग्राम का मौजू जो है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक के आलूदगी को हरा दो, ये इस साल का नारा है, मौजू है। तो इसी को लेते हुए हमने प्लास्टिक फ्री करने के लिए, इस इलाके को प्लास्टिक से आज़ाद करने के लिए काफ़ी मुहिम हमने चलाई है, और ये मुहिम हमारा आखिरी मुहिम नहीं रहेगा, ये हमारा अभी शुरुआती एकदम है, इसके ये शुरुआती हमारा एकदम है। तो इसके साथ साथ हम आइंदा भी हमारी इस इलाके को साफ रखने में हम और भी प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज दुनिया एक चैलेंज से निमट रही है, प्लास्टिक के चैलेंज से निमट रही है, क्योंकि दुनिया में इन प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारी माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो आलूदा हो रहे हैं। तो इसका मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम इंसान ही हैं, हमारे ज़रिए इस माहौल को साफ रखें, खासकर हमारे साया हजरत, क्योंकि ये टाइम जो है टूरिस्ट का सीज़न है, तो यहाँ बहुत से सयाह भी आते हैं और बहुत से मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करूँगा, मैं सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब मिलके इस इलाके को, इस पूर्व एरिया को साफ रखने में, प्लास्टिक से आज़ाद रखने में यानी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकी हमारे आवाम का तावन दे, साथ साथ दे, बस मैं यही कहना चाहूँगा।